भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का। आज मॉर्निंग न्यूज में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान होना है, तो वहीं चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को सामने आ जाएंगे, जिसकी तैयारी राज्यों ने पूरी कर ली है। इन सब पर विस्तार से करेंगे बात। तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज की खबरों का सिलसिला। महाराष्ट्र में आज यानी 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होंगे, जबकि नतीजे 23 नवंबर तक घोषित किए जाएंगे। राज्य में प्रमुख लड़ाई महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में। भारतीय शेयर बाजारों में 20 नवंबर 2024 यानी आज के दिन छुट्टी रहेगी। वहीं स्टॉक मार्केट में बीएसई और एनएसई पर कोई कामकाज नहीं होगा। शेयर बाजार में छुट्टी का ऐलान महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वजह से किया गया। झारखंड के दूसरे चरण में 38 सीटों पर आज यानी 20 नवंबर को वोटिंग होगी। दूसरे चरण में जरमुंडी, महगामा, पोड़ैया हाट सहित 17 सीटों पर बीजेपी और झामुमो के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में राज्य चुनाव के कारण राज्य सरकार ने पब्लिक हॉलीडे का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने 20 नवंबर 2024 यानी आज विधानसभा चुनाव के चलते राज्य में सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने भी राज्य के बैंकों को इस दिन अवकाश देने का ऐलान किया है। हालांकि बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, लेकिन ग्राहक डिजिटल बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल बिना किसी परेशानी के भी बैंक के कई काम निपटा सकते हैं। पंजाब में 4 सीटों पर आज यानी 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, जिसमें गिद्दड़बाड़ा की सीट पर तिकोना मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहां कांग्रेस के अमृता वडिंग, बीजेपी के मनप्रीत बादल और आपके हरदीप डिम्पी ढिल्लो चुनावी मैदान में हैं। गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 20 नवंबर 2024 यानी आज होना है। उपचुनाव को लेकर गाजियाबाद में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह द्वारा आज सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि जनपद में निर्वाचन के प्रायोजन के लिए मतदान दिवस के दिन आज सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। वही जिले के कोषागार और उपकोषागार भी आज बंद रहेंगे। 20 नवंबर यानी आज पंजाब के गिद्दड़बाहा, बरनाला, डेरा बाबा नानक और चब्बेवाल विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वही पंजाब सरकार ने छुट्टी को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार श्री मुक्तसर साहिब, गुरदासपुर, होशियारपुर और बरनाला जिलों के सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में 20 नवंबर यानी आज स्थानीय अवकाश रहेगा। केदारनाथ विधानसभा सीट पर आज वोटिंग होगी। इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है। केदारनाथ विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की शैला रानी रावत विधायक थी। उनके निधन के बाद से ही ये सीट खाली है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में जल उत्सव का आयोजन किया गया है। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा जल उत्सव के आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के आकांक्षी ब्लॉक बोरला का चयन किया गया था। वहीं आज यानी 20 नवंबर को जल उत्सव आयोजन का आखिरी दिन। महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट पर आज यानी 20 नवंबर को उपचुनाव होगा। इन सभी चुनावों के नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर 2024 में कांग्रेस नेता बसंतराव चव्हाण ने जीत हासिल की थी, लेकिन चुनाव में जीत के कुछ महीने के बाद ही उनके निधन से ये सीट खाली हो गई। जबकि पश्चिम बंगाल की बशीरहाट लोकसभा सीट पर भी यही हाल हुआ, जहां तृणमूल कांग्रेस के नेता हाजी नुरुल इस्लाम ने जीत हासिल की थी और चुनाव के कुछ महीनों बाद उनका निधन भी हो गया था। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1917 में आज ही के दिन यूक्रेन गणराज्य घोषित हुआ था। साल 1981 में आज ही के दिन 20 नवंबर के दिन भास्कर उपग्रह को छोड़ा गया था। साल 1984 में आज ही के दिन प्रसिद्ध शायर फैज अहमद फैज का निधन हुआ था। साल 1985 में आज ही के दिन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1.0 जारी हुई थी। साल 2009 में आज ही के दिन 20 नवंबर को विद्वान, विचारक और कवि श्याम बहादुर वर्मा का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।